सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ कोविड 19 और कोरोना वायरस डिजीज। आई एम साहिल मित्तल एंड यू आर वॉचिंग मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट। टू नो मोर अबाउट कोरोना वायरस यू कैन सी आर अदर वीडियोज विच आर गिवन इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स and you can also click on this I button. So let's get started. आज हम बात कर रहे हैं कोविड 19 के सिम्टम्स और उसके कॉजेज की। सिम्टम्स का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को कोविड 19 हो रहा है तो उसकी बॉडी में हमें क्या क्या सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, और कॉजेज का क्या मतलब है कि उस पर्सन को कोविड 19 किस वजह से हो रहा है। पहले हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो कोविड 19 है काफ़ी ज़्यादा इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इतनी आसानी से ट्रांसफ़र क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी पर्सन को कोविड 19 है और आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं बिना किसी मास्क वगैरह का यूज़ किए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी कोविड 19 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन है जिसको कोविड 19 है, वो वहाँ पे स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, या फिर कफिंग कर रहा है, बोल रहा है वहाँ पे, या फिर सिंपल खांसी ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उस एरिया के अंदर वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स छोड़ देगा अपने बॉडी के अंदर से। और अगर आप उसके पास खड़े हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा पास खड़े हैं, अगर आपने उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है, तो क्या होगा, आपके अंदर वो जो ड्रॉपलेट्स है रेस्पिरेशन के थ्रू चली जाएगी और आपके अंदर भी क्या हो सकता है, कोविड 19 हो सकता है। या फिर ये क्या हो सकता है कि अगर वो पर्सन है उसने वहाँ पर स्नीज किया, उसके अंदर से कुछ एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकल गई, तो वो क्या होगा, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स या कुछ हार के लिए वहाँ पे उस एरिया के अंदर रह जाती है। तो अगर आप उस एरिया के अंदर चले जाते हैं तो आपको कोविड 19 हो सकती है। तीसरा ये क्या होता है, अगर कोई पर्सन जिसको कोविड 19 है वो उस कहीं पे उसने क्या है स्नीज कर दिया, कुछ भी कर दिया, और जो उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसी सरफेस के ऊपर चली गई, और आप अगर उस सरफेस के ऊपर बैठ गए, उस सरफेस के ऊपर टच किया आपने, और देन आपने बिना हैंड वॉश किए या बिना अच्छे से सैनिटाइज किए वही हाथ अपने मुंह में या फिर माउथ, आईज, नोज, इन सब पे लगा लिए, तो आपको कोविड 19 हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो पर्सन, उस पर्सन को कोविड 19 है, उसने स्नीज किया, बिल्कुल जैसे हम मुंह के आगे ऐसा लगा के अच्छू ऐसे स्नीज करते हैं, तो क्या होगा, अगर उसके हाथ पे वो ड्रॉपलेट्स रह गई और देन वो आपसे हैंडशेक करता है या आपके हैंड पे, हाथों पे हाथ लगाता है, और आपने वो जो हाथ है वो बिना सैनिटाइज किए अपने माउथ, आईज, नोज वगैरह पे लगा लिया, तो आपके कोविड 19 हो सकती है। तो इतना ईजी इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर, और इसी वजह से आज के टाइम पे जो कोविड 19 है बहुत ज़्यादा तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है और एक पैंडमिक के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि कोविड 19 होने के बाद पेशेंट के अंदर या उस पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोविड 19 के सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के अंदर मेनली इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते क्या है, मतलब अगर किसी पर्सन को कोविड 19 हो रहा है तो उसकी बॉडी कुछ एक सिम्टम्स शो करती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ इस पर्सन को कोविड 19 है। तो अगर आपके अंदर जो अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगा उनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो बिल्कुल भी आप देर मत करिए और आपको जाकर अभी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, डायग्नोस करवा लेनी चाहिए कोविड 19, क्योंकि क्या है कि अगर किसी एक पर्सन को कोविड 19 है तो ये दूसरे पर्सन के अंदर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो कोविड 19 के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कोविड 19 है वो अपने सिम्टम्स शो करने में 2 से 14 डेज क्या कर सकती है, लगा सकती है, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो जब स्टार्टिंग सिम्टम्स कोविड 19 के अंदर क्या होंगे, फीवर होगा पेशेंट को, काफ़ी हाई फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, और पेशेंट थका हुआ महसूस करेगा, टायर्डनेस या फटीग होगी पेशेंट के अंदर। और जो सबसे मेन सिम्टम होता है इसका वो क्या होता है, स्टार्टिंग में पेशेंट का टेस्ट चला जाता है, मतलब पेशेंट अगर कुछ भी खाता है तो उसको उसके अंदर क्या होता है, टेस्ट नहीं आता, उसके जो टेस्ट बड्स है वो ठीक से क्या है, काम नहीं कर पाती। अब इसके अलावा को पेशेंट के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं,
पेशेंट के अंदर इसके अंदर वो काफी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे कि जो हमारी सांस लेने में हमें काफी ज्यादा परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी, अगर सांस आए भी गा तो हमें क्या होगा, शॉर्ट ब्रीथिंग होएगी। ठीक है, हम जो पेशेंट है, पेशेंट की जो पूरी बॉडी में मसल्स है वो मसल्स काफी ज्यादा पेन करेगी, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, चेस्ट पेन, उसको ठीक से सांस नहीं आ पा रही, तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो क्या होता है, ये तो नॉर्मल होती है, ये लगभग डिजीज के अंदर हमें क्या होती है, देखने को मिल सकती है। डायरिया हो सकता है पेशेंट को, और उसको क्या होगा, रनिंग नोज, उसकी नाक में से क्या होगा, हमेशा पानी, नोज में से जो पानी है, वोटरी नोज उसकी रहेगी हर टाइम। ठीक है, देन क्या हो सकता है, जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स काफी ज्यादा वेरी कर सकते हैं, मतलब ये मिल्ड भी हो सकते हैं, ये सीवियर भी हो सकते हैं, अगर माइल्ड टू सीवियर में, और किसी पेशेंट्स के अंदर तो इसके सिम्टम्स जल्दी से आते भी नहीं है, तो अगर हम देखें कि इसके माइल्ड सिम्टम, कुछ एक पेशेंट्स के अंदर काफी ज्यादा कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर आते ही नहीं है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर इसे काफी ज्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सीवियर सिम्टम्स जैसे कि उसको सांस लेने में ही दिक्कत होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, और साथ साथ में उस पेशेंट को न्यूमोनिया भी डेवलप हो सकता है। तो ये थे हमने बात करी सिम्टम्स की। अगर हम बात करें कि ये जो कोविड 19 है, ये ओल्ड एज के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओल्ड एज के अंदर ये काफी ज्यादा देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज तक जाते जाते जो पेशेंट होता है, पेशेंट की इम्यूनिटी क्या करती है, इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कोविड 19 उस पेशेंट को काफी ज्यादा आसानी से अफेक्ट कर सकता है। या फिर ये होता है, अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है पहले से, तो उसके अंदर कोविड 19 क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, वो एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन आ सकती है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये कोविड 19 मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो अगर कोई ऐसी डिजीज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, तो जैसे कि हमारी COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर किसी पेशेंट को COPD है, तो कोविड 19 उसको काफी आसानी से हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर वगैरह है, तो उसके अंदर भी जो कोविड 19 है वो काफी आसानी से हो सकता है। कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, या किसी के अंदर जो लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, लीवर डैमेज है किसी पेशेंट के अंदर, उनके अंदर भी हमें क्या हो सकता है, कोविड 19 आसानी से देखने को मिल सकती है। और किसी पेशेंट के अंदर अगर कैंसर है, या फिर उसकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो कोविड 19 उनके अंदर काफ़ी आसानी से हो सकता है। और अगर हम और डिजीज देखें, तो जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV के थ्रू होती है, अगर किसी पेशेंट को एड्स है, तो उसके अंदर कोविड 19 काफी ज्यादा आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एड्स क्या करती है, एड्स हमारी इम्यूनिटी को काफी ज्यादा वीक बना देती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कोविड 19 बहुत आसानी से हो सकता है। आज हमने बात करी साइन, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ कोरोना वायरस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कोरोना वायरस एंड डायग्नोसिस ऑफ कोरोना वायरस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।